ये हम पीछे ट्यूल व्यू कर चुके थे, ठीक है, सिंपल ट्यूल व्यू। और ट्यूल व्यू की जो क्लासिफिकेशन थी, स्ट्रेट ट्यूल व्यू, पॉइंटेड ट्यूल व्यू, इन दोनों की दो 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 सब क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेट की हमारे राइट हैंडेड ट्यूल व्यू और लेफ्ट हैंडेड ट्यूल व्यू, ठीक है। और जो पॉइंटेड ट्यूल व्यू है हमारी, उसकी भी दो सब क्लासिफिकेशन है हमारी, पॉइंटेड ट्यूल व्यू की, रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू और इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है। रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू और इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, हम पीछे ट्यूल व्यू कर चुके थे। और ट्यूल व्यू की क्लासिफिकेशन में स्ट्रेट ट्यूल व्यू कर चुके थे। स्ट्रेट ट्यूल व्यू की दो सब क्लासिफिकेशन है, राइट हैंडेड स्ट्रेट ट्यूल व्यू और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रेट ट्यूल व्यू, ये दोनों हम भर चुके थे, ठीक है। वीडियो के पार्ट 2A में ये दिया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। आज की वीडियो में हम करेंगे पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है, पॉइंटेड ट्यूल व्यू। सो पॉइंटेड ट्यूल व्यू की भी हमारी दो सब क्लासिफिकेशन होती है, रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू और इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है। सो जो रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू होती है, देखो, मिनिमम रिपीट फॉर रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू इज़ 4 × 3। इसमें क्या कह रहा है, जो रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू होती है उसका जो मिनिमम रिपीट एरिया होता है वो 4 × 3 होता है। इससे नीचे, मतलब अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, तो हमारी नहीं बनेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू इज़ 6 × 3। इसमें क्या कह रहा है कि जो इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू है उसका जो मिनिमम रिपीट एरिया है वो 6 × 3 है। इसका मतलब ये है कि इससे नीचे एरिया अगर होगा तो हम उसमें इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू का इफेक्ट हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। समझ आया, पॉइंटेड ट्यूल व्यू की भी दो हमारी सब क्लासिफिकेशन होती है, रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू और इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो पहले इसकी, सबसे पहले होती है हमारे ट्यूल व्यू, ठीक है। ट्यूल व्यू सिंपल ट्यूल व्यू होती है, ठीक है, ट्यूल व्यू। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रेट ट्यूल व्यू, स्ट्रेट ट्यूल व्यू और पॉइंटेड ट्यूल व्यू, पॉइंटेड ट्यूल व्यू। स्ट्रेट ट्यूल व्यू के भी हमारे दो प्रकार होते हैं, राइट हैंडेड स्ट्रेट ट्यूल व्यू और लेफ्ट हैंडेड स्ट्रेट ट्यूल व्यू, ठीक है। पॉइंटेड ट्यूल व्यू जो होती है, इसके भी हमारे दो सब क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, एक होता है इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है। सो हम सिंपल जो ट्यूल व्यू होती है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेट ट्यूल व्यू हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट ट्यूल व्यू के दो प्रकार होते हैं, राइट हैंडेड ट्यूल व्यू वो भी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंडेड ट्यूल व्यू भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पॉइंटेड ट्यूल व्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू होती है उसका मिनिमम रिपीट एरिया होता है 6 × 3, यानी कि ये इस एरिया से नीचे अगर हम बनाएंगे इस व्यू को, तो वो व्यू का हमारा पॉइंटेड रेगुलर इफेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो मिनिमम एरिया यही से ज़्यादा हो सकता है, एरिया इससे कम नहीं होगा। और जो इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू है उसका मिनिमम एरिया हमारा 6 × 3, यानी कि इससे नीचे अगर हम व्यू एरिया रखेंगे तो इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम बना रहे हैं रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है, रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ठीक है। और व्यू एरिया दिया हुआ है 6 × 10 × 6, ठीक है, 10 × 6। और थर्ड मोमेंट हमारी दी हुई है 4/2, 4/2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, पहले इसमें देखो, फिर मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कि 10 हमारे क्या है, 10 का मतलब होता है वार्प थ्रेड, जो पहली वाली डिजिट हो, इसका मतलब वार्प थ्रेड, इसका मतलब वेफ्ट थ्रेड, इसका मतलब हमारा अप थ्रेड, इसका मतलब हमारा डाउन थ्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वार्प थ्रेड दिए हुए पहले हमारे, तो वार्प थ्रेड लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमने क्या ले लिए, वाप थ्रेड ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 हमारे, यानी कि वेफ्ट थ्रेड, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 ही हमने वाप थ्रेड लिए, 6 ही हमने वेफ्ट थ्रेड लिए, ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है, ये थ्रेड मूवमेंट क्या है, 4 अप 2 डाउन, यानी 4 थ्रेड हमारे ऊपर, 2 थ्रेड हमारे नीचे, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू बनाने से पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं। पॉइंट इसमें जो बेस लाइन बनेगी वो पॉइंटेड बेस लाइन बनेगी, इसमें उसमें हमारी डायगनल ऐसी बेस लाइन थी, इनमें जो पीछे हमने स्ट्रेट ट्यूल व्यू पढ़ा था उसमें ऐसे बेस लाइन थी, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट बेस लाइन थी।
इसमें हमारी जो बेस लाइन है वो पॉइंटेड बेस लाइन है, ऐसे ऐसे बेस लाइन है ऐसे, ठीक है इस वाले में। सो देखो कैसे बनाएंगे, ये हमने ब्लॉक्स बना लिए, 10 हमने वाफ थ्रेड लिए, 6 हमने क्या लिए वेफ्ट थ्रेड लिए, ठीक है। उसके बाद हम बेस लाइन बना लेंगे, पॉइंटेड बेस लाइन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी बेस लाइन ये होगी, इसको हाईलाइट कर लेंगे हम, ठीक है। ये बनाने से क्या होता है कि हमारा इजीली स्ट्रक्चर हमारा पॉइंटेड रेगुलर का बन जाता है इजीली, पहले अगर जब हम बेस लाइन बना लेते हैं तो इजीली आगे का स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होती है, ठीक है, इसलिए हम बना लेते होते हैं। और इसको हम हाईलाइट कर लेते होते हैं, आपके पास एग्जाम में ब्लैक पेन होगा, ब्लैक पेन लेके जाना साथ में, तो ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट, इसको बेस लाइन बना लेना, ठीक है। ये मैंने मार्कर से बनाया, इसमें इसको बेस लाइन ऐसे बना लेना। अब इसमें थर्ड मूवमेंट देखो क्या है, 4 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन, यानी कि 4 अप 2 डाउन, तो 1 2 3 4, ये 4 अप हमारे, ये 2 डाउन। ये जो हमने पॉइंटेड बेस लाइन बनाई है इसका मतलब है एक एक थ्रेड हमने पहले ही ऊपर कर लिया है, एक एक थ्रेड हमने पहले ही ऊपर रख दिया है इसमें, ठीक है। सो 4 अप 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, ठीक है। सो ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ठीक है, मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम में पहले से बना हुआ था, इसी में समझाया, तो हो सकता है कम समझ में आया हो, मैं फिर से एक बार इसको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम में आपका आ गया, एग्ज़ाम में कैसे आएगा आपका, एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि आप बनाओ रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू, ठीक है, रेगुलर पॉइंटेड पॉइंटेड टेबल व्यू आपने बनानी है, रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू बनानी है। और व्यू एरिया इन्होंने दिया है, व्यू एरिया, व्यू एरिया की जगह डिज़ाइन एरिया भी लिखा हो सकता है, व्यू एरिया दिया इन्होंने 10 × 6। और थ्रेड मोमेंट इन्होंने दी है, थ्रेड मोमेंट दिया इन्होंने 4/2। सो अभी आप देखो इस 10 का मतलब है, इसका मतलब है हमारा वाप थ्रेड, ठीक है, वाप थ्रेड, इसका मतलब है बाद वाली का वेफ्ट थ्रेड, वेफ्ट थ्रेड, ठीक है। ये जो 4 है इसका मतलब है अप थ्रेड, इसका मतलब है डाउन थ्रेड, डाउन थ्रेड जो ऊपर वाले डिजिट होती है उसका मतलब कितने थ्रेड हमने ऊपर रखने हैं, इसका मतलब होता है कितने थ्रेड हमने नीचे रखने हैं, ठीक है। और जब हम रेगुलर पॉइंटेड टूल भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम पहले इसमें बेस लाइन बना लेते होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड बेस लाइन, स्ट्रेट वाले में स्ट्रेट ऐसे डायगनल लाइन थी, ठीक है, स्ट्रेट का जो था हमारा राइट हैंडेड क्लासिफिकेशन थी उसमें ऐसे हमने डायगनल बनाई थी, स्ट्रेट डायगनल बनाई थी, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हैंडेड था उसमें हमने ऐसे स्ट्रेट डायगनल बनाई थी, यानी कि जो बेस लाइन बन रही थी वो हमारी डायगनल बेस लाइन बन रही थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारी जो बेस लाइन बनेगी वो पॉइंटेड बेस लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड, ठीक है, यहाँ पे ऊपर पॉइंट बन रहा है इसलिए इसे जो बेस लाइन बनेगी वो त्रिकोणी ऐसे बनेगी ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने बनाते हैं, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये वी वेरिया, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, 10 × 6, यानी कि 10 हमारे वाफ थ्रेड, तो 10 पहले हम वाफ थ्रेड ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 ये हमने वाप थ्रेड ले लिए, ठीक है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हमने क्या ले लिए, वाप थ्रेड। अब क्या कह रहा है, 6 हमारे वेफ्ट थ्रेड, ठीक है, 6, तो 6 हम वाप थ्रेड लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हमारे क्या थे, वाप थ्रेड थे। अब क्या कह रहा है, 6 हमारे वेफ्ट थ्रेड ले लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 हमने वेफ्ट थ्रेड ले लिए, ठीक है। अब थ्रेड मूवमेंट क्या कह रहा है, ये 4/2, यानी कि 4 अप थ्रेड 4 डाउन थ्रेड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम इसमें बेस लाइन बना लेंगे, ठीक है, बेस लाइन कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे,
ऐसे पॉइंटेड बेस लाइन इसमें हम बनने हमारी बनेगी ऐसे, ठीक है। ये बेस लाइन बन गई, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, जस्ट नीचे उतर जाओ ऐसे डायगनल फॉर्म में ऐसे। सो ऐसी हमारी इसकी बेस लाइन बनेगी, ठीक है। ऐसी बेस लाइन इसकी हमारी बनेगी, ठीक है। अगर ये हमारा व्यू एरिया दिया होता 11 दिया होता, 11 × 6 दिया होता, तो एक और लाइन होती है हमारी, है ना, एक और लाइन होती है हमारी ऐसे होती, ठीक है, ऐसे होती एक और होती तो हमारी, तो एक जो अगला क्रॉस है वो यहाँ लगता, ठीक है। लेकिन हमारा व्यू एरिया के अकॉर्डिंग हमने बनानी है ना, तो ये तो 11 दिए ही नहीं है, 10 ही दिए हैं, तो 10 के हिसाब से हम पॉइंटेड टूल व्यू बनाएंगे, ठीक है। सो ये समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 10 ही हमने वाप थ्रेड लिए और 6 हमने वेफ थ्रेड लिए, ठीक है। हमने पॉइंटेड बेस लाइन बना ली ऐसे करके, ठीक है, ये पॉइंटेड हमने बेस लाइन बना ली। अब क्या कह रहा है ये, 4 अप 4 डाउन, ठीक है, 4 थ्रेड हमारे ऊपर, 2 थ्रेड हमारे नीचे, ठीक है। सो एक इसका जो बेस लाइन हमने बनाया, इसका मतलब है एक एक थ्रेड हमने पहले ही ऊपर कर लिया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, 4 अप 2 डाउन, सो 1 2 3 4, ये 4 अप 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 और 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 डाउन, उससे अगले वाले में 1 2 3 4, ये 4 अप, ये 2 हमारे डाउन, ठीक है। सो हमारा रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू का ऐसा बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर इसको देख देख के हम लूम पे थ्रेड्स की सेटिंग करते हैं, ठीक है। इसको देख देख के हमारा ड्राफ्ट प्लान बनता है, इसको देख के हमारा पैक प्लान बनता है, ठीक है। इससे ही फिर हम थ्रेड की लूम पे सेटिंग करते हैं और आगे का फैब्रिक हम बनाते हैं। जैसे कि आप गारमेंट बनाते हो, तो गारमेंट के लिए पहले पैटर्न बनाते हो ना, तो ऐसे ही है ये कि कपड़ा बनाने से पहले हम पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, ढांचा ही बना रहे हैं, जिसको देख देख के कि हम कपड़े पे लूम पे कपड़े की सेटिंग करेंगे बनाने की, कि कपड़ा हमें कैसे बनाना है, ठीक है। सो रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू हो गया ये, ठीक है। रेगुलर पॉइंटेड पॉइंटेड टेबल व्यू का प्रकार था ये एक, ठीक है। पॉइंटेड टेबल दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू और इरेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू। तो हमने अभी ये पढ़ा रेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू, अब हम पढ़ेंगे इरेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू। इरेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू देखो, इरेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू, ये डायग्राम भी समझो पहले, क्या कह रहा है कि इरेगुलर पॉइंटेड टेबल व्यू, इसमें जैसे कि व्यू एरिया दिया हुआ है 10 × 5 और थ्रेड मोमेंट दिए 4/1। इसका मतलब है 10 का हमने 10 हमने वाप थ्रेड लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हमारे वाप थ्रेड हो गए। उसके बाद करा 5 हमारे वेफ्ट थ्रेड, सो 1 2 3 4 5 5 हमारे वेफ्ट थ्रेड हो गए, ठीक है। अब क्या करा, थ्रेड मोमेंट है 4/1, यानी कि 4 थ्रेड हमारे ऊपर, 1 हमारा नीचे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले, थ्रेड मूवमेंट करने से पहले हम बेस लाइन बनाएंगे। तो इसमें जैसे कि नाम से ही पता चला, इरेगुलर पॉइंटेड, यानी कि जो हमारी पॉइंटेड जो है हमारी जो हमारी बेस लाइन बनेगी पॉइंटेड की, वो इरेगुलर बनेगी, ठीक है। इरेगुलर इन द सेंस, देखो एक डायगनल लाइन बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसे यहाँ तक हमने बेस लाइन बनाई, ठीक है। उसके बाद नीचे उतरते हैं, तो उस वाले रेगुलर में क्या था, तो इसके जस्ट नीचे उतर गए थे, है ना, इसके जस्ट नीचे की साइड, यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ से पहुँचने के बाद इसके जो साथ वाला उसको खाली छोड़ा, एक खाली छोड़ के उसके बाद यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, 1 2 3 4, यानी कि जो पॉइंटेड है, जो पॉइंट है वो हमारा अच्छे से पॉइंट नहीं हो रहा, बीच में हमारा ब्रेक हो गया है, ठीक है, बीच में ब्रेक हो गया है। जो ये खाली छोड़ के यहाँ पे लगाने की बजाय हमने जो क्रॉस करना था, पॉइंट जो बनाना था, वो उसकी जगह हमने नीचे लगा दिया क्रॉस की, ठीक है। पहले देखें पॉइंटेड ही देखो, इसमें जो पॉइंटेड टेबल व्यू था उसमें हमने बेस लाइन बनाया था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने बनाया ये, और उसके जस्ट नीचे उतर गए, बिल्कुल यहीं से यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके साथ ही नीचे आ गए। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाई, 1 2 3 4, ठीक है, 4। इसमें यहाँ से उतरने की बजाय क्या करेंगे हम, इस ये जो एक जो क्रॉस यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगना था, अगर हमारा 6 होता तो यहाँ पे लगता, ठीक है,
यहाँ पे होता और इसके नीचे हमजा सुस्टर जाता तो रेगुलर ही हो जाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इरेगुलर, तो इरेगुलर यानी कि जो हमारी पॉइंटेड है वो हमारी रेगुलर नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए ऐसे, उसमें बीच में कुछ वो टूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इरेगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बेस लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ पर, सो इसका एक छोड़ के उसके बाद जस्ट हम नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, नीचे उतर जाएंगे, और जो यहाँ का जो एक हमने जो ब्रोक हुआ है, जो हमने छोड़ा है बीच में, उसके नाम का हम नीचे सबसे नीचे लिए क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे का, फोर अप वन डाउन, सो एक दो तीन चार ही चार अप एक डाउन, उसके बाद एक दो तीन चार ही चार अप एक डाउन, एक दो तीन चार ही चार अप एक डाउन, एक दो तीन चार ही चार अप एक डाउन, एक दो तीन चार ही चार अप वन डाउन, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला, इसमें तो यहाँ से हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ से जो ये नीचे क्रॉस लगाया था, यहाँ से एक दो तीन चार, ठीक है, ये चार ये हम लगा लेंगे ऐसे, चार कर लिए हमने, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ अगली वाली में आ जाओ, एक दो तीन चार ही चार अप ये वन डाउन, एक दो तीन चार ये चार अप वन डाउन, एक दो तीन चार ही चार अप ये वन डाउन, एक दो तीन चार ही चार अप ये वन डाउन, ठीक है। तो इसका इरेगुलर का पॉइंटेड ट्यूलिप का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, ये मैंने डायग्राम में बना हुआ था, जो मैंने पहले से बना रखा था उसमें समझाया, अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा एग्जाम में आया कि आपने बनानी है इरेगुलर पॉइंटेड ट्यूल व्यू, ई रेगुलर पॉइंटेड पॉइंटेड ट्यूल व्यू ट्यूल व्यू, ठीक है। एरिया दे दिया, व्यू एरिया दिया इन्होंने 10 × 5, ठीक है। थ्रेड मोमेंट दिया इन्होंने 4/1, ठीक है, 4/1, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, वीव एरिया बना लेंगे, वीव एरिया की जगह डिज़ाइन एरिया भी आ सकता है हमारा। सो इस 10 का मतलब हमारा वाप थ्रेड, इसका मतलब हमारा वेब थ्रेड, जो पहले वाले डिजिट होती है उसका मतलब नंबर ऑफ वाप थ्रेड्स हमें कितने लेने हैं, जो बाद वाले डिजिट होती है इसका मतलब नंबर ऑफ वेब थ्रेड्स हमें कितने लेने हैं, ठीक है। ये जो थ्रेड मोमेंट में जो ऊपर वाला डिजिट होता है इसका मतलब होता है अप थ्रेड, यानी कि हमें थ्रेड कितने ऊपर रखने हैं, इसका मतलब होता है डाउन थ्रेड, की थ्रेड हमें कितने डाउन रखने हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले 10 हमारा क्या है, वाप थ्रेड, सो 10 वाप लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 हमारे क्या है, वेफ्ट थ्रेड 5, सो एक दो तीन चार ये 5, ठीक है, 5 ये क्या हो गए हमारे, 5 हमारे हो गए वेफ्ट थ्रेड, ठीक है। काउंट कर लो इनको, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 10 हमारे वाप थ्रेड, 10 हमारे, 5 हमारे वेफ्ट थ्रेड, ठीक है। अब हमारा है थ्रेड मोमेंट 4 up 1 down, यानी कि 4 थ्रेड हमारे ऊपर, एक हमारा नीचे, ठीक है। सो इसको बनाने से पहले हम बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है, बेस लाइन इसमें कैसे बनेगी, देखो रेगुलर में हमारी कैसे बनी थी, एक दो तीन चार ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बनाई पहले, फिर इसी के यहीं से सीधे नीचे उतर गए, ठीक है, ये बेस लाइन हमारी बनी। इसमें कैसे हमारी बेस लाइन बनाएंगे, बेस लाइन देखो पहले, एक दो तीन चार पाँच, ये ठीक है, ये यहाँ तक हमारी बेस लाइन बनी। उसके बाद रेगुलर में क्या था कि इसके जस्ट नीचे हम ऐसे आ गए, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इरेगुलर, इरेगुलर में ऐसा है कि इसका एक छोड़ के यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से एक दो तीन चार नीचे उतर गए, ठीक है। और जो इस वाली लाइन का जो क्रॉस है वो यहाँ पे, यहाँ ना लग के ऊपर, वो नीचे लग जाएगा सबसे नीचे, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये थ्रेड अप करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये थ्रेड अप होगा। तो इसमें जो पॉइंटेड थी वो रेगुलर होगी ना, ये हमारी रेगुलर पॉइंटेड, अगर ऐसे बनती हमारी, ऐसे यहाँ से उतरती
नीचे, तो वो होती है हमारी रेगुलर पॉइंटेड। ये हमारे यहाँ पे जो पॉइंट था वो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो एक छोड़ के एक यहाँ से नीचे उतर गया, तो ऐसी बेस लाइन इसमें बनेगी, ठीक है। इस लाइन का जो है जो थ्रेड अप होना है वो हमारा सबसे नीचे वाले जो है यहाँ पे आप दिखाएंगे हम, ठीक है, ये ऐसी हम बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे का, ठीक है, फोर अप वन डाउन, ठीक है, यानी कि चार थ्रेड हमारे ऊपर एक हमारा नीचे। अगर मान लो ये यहाँ पे वीव एरिया 11 होता है ना, 11 5 होता, तो ये एक और लाइन हमारी वाप थ्रेड की ऐड हो जाती, ठीक है, एक और ऐड हो जाती, ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे ख़त्म होने की बजाय यहाँ पे होता, ठीक है। लेकिन हमें तो इसके हिसाब से चलना है, ठीक है, जितने दिए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल इसके हिसाब से ये लाइन हमारी कट जाएगी। अगर दी हुई होती तो हम बनाते, अभी फ़िलहाल इसमें ये नहीं है, ठीक है, 10 5 का ये एरिया दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी थ्रेड मूवमेंट कितनी है हमारी, 4 अप 1 डाउन, ठीक है, 4 थ्रेड हमारे ऊपर एक हमारा नीचे, ठीक है। सो हमने इसका मतलब है एक एक थ्रेड हमारा पहले ही अप हो गया, ठीक है, तो 4 थ्रेड ऊपर एक नीचे, सो एक हमारा पहले ही अप, 1 2 3 4, ये 4 अप एक हमारा नीचे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे। अब इस वाली में ए के पहले ही आप, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे। अब इससे अगली वाली में एक ही हमारा पहले ही आप, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर एक नीचे। इससे अगले वाली में एक पहले ही आप, 1 2 3 4, ये 4 अब ये नीचे। इस अगली वाली में 1 2 3 4, ये 4 ऊपर एक ही हमारा नीचे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर एक ही हमारा नीचे। तो ऐसे हमारा रेगुलर पॉइंटेड ट्विल व्यू बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।